स्मार्टफोन में हम रोज ढेरों फाइल्स डाउनलोड करते हैं और साथ में डिलीट भी करते हैं, लेकिन इन फाइल्स को मैनेज करना एक बड़ा टास्क है। गूगल प्ले स्टोर में आपको कई ऐप्स मिल जाएंगी जो इन फाइल्स को मैनेज करती हैं। इन्हीं में से मैं आज आपके लिए एक बेस्ट ऐप लाया हूँ जो आपके फ़ोन में फाइल्स को मैनेज करने में आपकी मदद करेगी। चलिए देखते हैं ये ऐप आपकी कैसे मदद कर सकती है। की मैं बात कर रहा हूँ वो है ES फाइल एक्सप्लोरर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये ऐप डाउनलोड कर रखी है, ये हमारी है ES फाइल एक्सप्लोरर। सो अगर होम पेज आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपको होम पेज में ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये ऐप क्या क्या कर सकती है। इसके बाद आप अगर राइट साइड में देखेंगे, यहाँ पे आपको पूरा मेनू बार दिख जाएगा, सेटिंग, थीम्स, ESY, फेवरेट, जो जो फीचर इस ऐप में दिए गए हैं वो सारे फीचर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। मैं आपको बता दूं, ये कुछ चीज़ें जैसे आपको यहाँ अनलॉक दिख रही होंगी, इसके दो वर्जन हैं, एक फ्री वर्जन है और एक प्रीमियम पेड वर्जन है। सो पेड वर्जन, अगर आपको लगता है ये ऐप यूज़ करने के बाद आपको पेड वर्जन की ज़रूरत है, तो आप ले सकते हो। उसमें कुछ और फीचर आपको मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे थीम का दिख रहा है, आप इसकी जो थीम है वो चेंज कर सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से। इसके अलावा इसमें सिस्टम हिडन फाइल्स और एडवांस लेन का फीचर दिख रहा है। सिस्टम हिडन फाइल्स यानी कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो हमें मोबाइल में नॉर्मल ओपन करने पर नहीं दिखेंगी, लेकिन ES एक्सप्लोरर आपको वो फाइल्स भी, हिडन फाइल्स भी इसमें दिखा देगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रीमियम वर्जन इसका लेना होगा। यहाँ पे जो मैं आपको ऐप आपको दिखा रहा हूँ वो फ्री वर्जन है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से फीचर आपको मिलेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग है, क्लीनअप सेटिंग है, डायरेक्टरी सेटिंग है, बहुत सी सेटिंग दी गई है। पासवर्ड सेटिंग है, पासवर्ड सेटिंग यानी अगर आप चाहते हैं कि ऐप आप ही ओपन कर पाएँ, उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, फीचर्स हैं, वो आप यूज़ कर पाएँ, तो यहाँ पे आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्लीनअप सेटिंग है, क्लीन हिस्ट्री ऑन एग्जिट, यानी इसमें अगर मैं टिक मार्क कर देता हूँ तो जैसे ही इस ऐप को मैं बंद करूँगा, ऑटोमेटिक मेरी जो हिस्ट्री है फ़ोन की वो क्लियर हो जाएगी जब जब मैं इस ऐप को बंद करूँगा। इसी तरीके से क्लियर कैश ऑन एग्जिट भी है, यानी मैं जैसे ही एग्जिट करूँगा इस ऐप से, मेरी कैश जो है ऑटोमेटिक मेरी वो डिलीट हो जाएंगी। और यहाँ पे आपका मैनुअल ऑप्शन भी दिया गया है क्लियर कैश करने से। सो इस तरह के आपको सारे फीचर सेटिंग मिल जाएंगे। इसके अलावा ये ऐप और कैसे वर्क करती है, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो इंटरनल स्टोरेज दिख रहा है। इंटरनल स्टोरेज यानी मेरे फ़ोन में जो टोटल स्टोरेज है उसमें से कितना यूज़ हो रहा है और कितना स्टोरेज बचा है। अब ऐसे अगर नॉर्मल ऐप नहीं है आपके फ़ोन में, आप चेक करना चाहते हैं, तो सेटिंग में जाएंगे, फिर मेमोरी देखेंगे, फिर मेमोरी में आप चेक करेंगे कितने मेरे उसमें सेव है, कितनी नहीं सेव है। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म में दिख जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे स्पेस एनालाइजर भी है, आप एनालाइज कर सकते हैं कि जो आपका स्टोरेज है वो किन किन चीज़ों से घिरा है, फोटोज़ कितनी है, वीडियोज़ कितनी है। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको करके। ये देखिए, यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज जो है मेरा एनालाइज हो रहा है। इनमें आपके एनालाइज के दौरान सारी चीज़ें अलग अलग आ जाएंगी, जैसे पिक्चर 286.23 MB है, ऑडियो मेरा 103 है, डॉक्यूमेंट्स, ऐप्स और अदर जो है मेरा 6 अदर में देखिए 6.73 GB दिखा रहा है यहाँ पे वीडियो। सो यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी जो चीज़ें हैं मुझे पिक्चर डिलीट करनी है, उससे ज़्यादा स्पेस खाली होगा, या मुझे ऑडियो डिलीट करना है। यहाँ पे आप एक प्लेटफॉर्म में देख सकते हैं। हालांकि नीचे देख रहे हैं ऐड भी आ रहा है, जैसे कि मैंने कहा ये फ्री वर्जन है, मोस्टली ऐप में आपको इस तरह के ऐड दिखेंगे जो दिक्कत कर सकते हैं, तो इसमें इंस्टॉल ना होगा दिखे, लेकिन ध्यान रहे इनमें क्लिक ना करें, क्योंकि कुछ भी ऐप्स आपके उसमें इंस्टॉल हो सकती है जो आप नहीं चाहते हैं। सो ये फ्री वर्जन में आपको ये ऐड्स थोड़ी दिक्कत कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ ऐप एसोसिएटेड फोल्डर है, ये फोल्डर्स भी आपको अलग अलग आ रहे हैं। सो कुल मिला के ऐप में आपकी सारी चीज़ें अलग अलग सेट हो जाती हैं, कहीं भी वो फाइल्स हों या फिर इमेजेस हों या फिर वीडियो हो, कुछ भी आपको अलग अलग जा के डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। इस ऐप के एक प्लेटफॉर्म में आप ये सीधा सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे रिसेंटली क्लियर फाइल दिखा रहा है कि हाल ही में मैंने जो फाइल क्लियर की है उनका कितना स्पेस था, डिटेल ऑल फाइल्स मेरी दिखा रही हैं कितना है। और बीच बीच में ध्यान रहे यहाँ पे ऐड भी आपको आते रहेंगे। और ये देखिए लार्ज फाइल्स, सो टोटल मेरे फ़ोन में सबसे लार्ज फाइल कौन सी है, ये दो वीडियो दिखा रहे हैं, 114.33 MB का है, एक 16.79 का है। सो चाहूँ तो मैं डायरेक्ट आपका ये जो वीडियो है मैं डिलीट कर सकता हूँ और अपना स्पेस खाली कर सकता हूँ। ध्यान से अगर नीचे देखेंगे तो इसका स्टोरेज लोकेशन भी दिखा रहा है, स्टोरेज /simulated/0 WhatsApp, सो काफ़ी डिटेल आप पा सकते हैं। ये देखिए लार्ज फाइल्स मेरी सारी है, मैं इसको यहीं से डिलीट कर सकता हूँ। ये देखिए मैं जैसे जैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे मेरा ये MB बढ़ रहा है, यानी मुझे टोटल बताया जा रहा है कि अगर मैं इन चीज़ों को डिलीट करूँगा तो मेरा इतना MB स्टोरेज जो है मेरा खाली हो जाएगा। यहाँ से मैं सारा एक साथ भी डिलीट कर सकता हूँ वीडियो मेरा टोटल। सो इस तरीके से ये ऐप काफ़ी आपकी हेल्प कर सकती है फ़ोन को ना सिर्फ फास्ट करने में, बल्कि जो बेकार का डेटा है उसे डिलीट करने में।
चलिए इसका कुछ और फीचर के बारे में देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए नेटवर्क का ऑप्शन है और नेटवर्क में जाते हैं हम। सो नेटवर्क के ऑप्शन में जाने पे लैन एफटीपी एंड्रॉयड टीवी ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, यानी यहाँ पे नेटवर्क में जाके आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से नेटवर्क आपके उसमें अवेलेबल हैं। मान लीजिए आपके घर में स्मार्ट टीवी है और टीवी में वाईफाई फीचर भी है, तो यहाँ पे आपका ये ES फाइल एक्सप्लोरर को उस टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं, यानी आपके फ़ोन में जो भी डेटा है आप उस टीवी में डायरेक्ट दे सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ ये क्रोम कास्ट को भी सपोर्ट करती है। अगर आप क्रोम कास्ट यूज़ कर रहे हैं तो अपनी ऐप को क्रोम कास्ट से सिंक करके आप डायरेक्ट देख सकते हैं। जैसे नीचे की ओर अगर देखेंगे स्कैन, मैं कैंसिल कर देता हूँ, आगे भी इसमें और नेटवर्क दिखाएगा। यहाँ पे ये सारे नेटवर्क मेरे दिखा रहे हैं अलग अलग नाम से, डेस्कटॉप, GizBot, तो जो जो लैपटॉप में वाईफाई यूज़ हो रहा है मेरा, इस ऐप ने स्कैन कर लिया और ये दिखा रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस लैपटॉप से इसको कनेक्ट करना, क्लिक करके यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दूँगा। कनेक्ट करते ही मेरे फ़ोन का सारा एक्सेस लैपटॉप में मिल जाएगा, यानी कोई वायर से कनेक्ट करने की या कोई लैपटॉप में ऐप इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपना काम इसमें कर सकते हैं। लोकल में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो लोकल में आपका यही मेन होम पेज आता है। यहाँ पे अगर देखेंगे कंप्रेस्ड ऐप, इमेजेस, म्यूजिक, सारे फीचर्स आपको दिख रहे हैं। अब कंप्रेस्ड क्या है, काफ़ी क्या होता है, हमारा कुछ डेटा ऐसा इंपॉर्टेंट होता है हम डिलीट करना नहीं चाहते हैं। मान लीजिए आपके फ़ोन में 5 GB या 10 GB की मेमोरी है और आपका डेटा 9 GB है। अब वो डेटा डिलीट करना नहीं चाहते हैं तो उसको क्या करेंगे, ये कंप्रेस्ड ऑप्शन आपका हेल्प कर सकता है, यानी आप उसको जिप फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन में ही। सो यहाँ पे क्लिक करते ही आपके उसमें जो है, ये देखिए न्यू का ऑप्शन आ रहा है, न्यू करते ही मैं जो जो चीज़ें कंप्रेस करना चाहता हूँ या जिसकी जिप फाइल क्रिएट करना, देखिए ESGIF व्यूअर है, इसमें टिक मार करके वो जिप फाइल कन्वर्ट कर दूँगा। थोड़ा 5 GB डेटा है तो मैं उसको 0.5 GB या मे बी 1 GB में कन्वर्ट कर सकता हूँ इस तरीके से कंप्रेस ऑप्शन यूज़ करके। इसके अलावा और देखते हैं, यहाँ पे क्लीनर दिख रहा है मुझे, देखिए क्लीनर पे क्लिक करते ये नॉर्मल क्लीनर है जैसा कि बहुत सी क्लीनिंग ऐप्स आती हैं। सो एक ऐप में आपको सारे फीचर्स मिल रहे हैं, आपको अलग अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए आप क्लीनर मैंने स्कैन किया है, हालांकि मैं फ़ोन को क्लीन करता रहा हूँ इस वजह से ज़्यादा डेटा नहीं दिखा रहा है, लेकिन अगर आप अगर फर्स्ट टाइम बहुत दिनों से आपने फ़ोन क्लीन नहीं किया है तो अगर आप ये क्लीनर यूज़ करेंगे तो आप इसमें 3 MB से ज़्यादा मे बी 1 GB या 500 MB या 600 MB डेटा दिखा सकता है। जैसे रिसाइकिल बिन है, रेजिड्यूअल जंक है, ऑब्सोल्यूट APK, मतलब बहुत सी ऐसी फाइल्स हैं जो यूज़ नहीं होती हैं लेकिन उसकी एक कॉपी फाइल्स बनती रहती हैं जो धीरे इकट्ठे होते होते काफ़ी डेटा हमारा खर्च कर काफ़ी डेटा जो है सेव हो जाता है और वो फ़ोन को स्लो कर देता है, हमें पता भी नहीं चलता ये डेटा कहाँ सेव है। इस ऐप से आप ये डेटा देख सकते हैं और यहाँ पर टिक मार्क लगा के इसको क्लीन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ही मैं इसको क्लीन नाउ कर देता हूँ और ये देख लीजिए, हालाँकि फिर यहाँ पे ऐड आ गया है जैसा कि फ्री वर्जन में अक्सर होता है। और दूसरे फीचर्स में हम चेक करते हैं थीम्स का, जैसे मैंने कहा कि ये वर्जन जो है फ्री वर्जन है तो थीम्स का जो ऑप्शन है आपको फ्री वर्जन में नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे रिकॉर्डर का भी ऑप्शन है, यानी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग या फ़ोन में जो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं तो इस रिकॉर्डर की हेल्प से वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग फोल्डर यहाँ बन गए हैं और भी बहुत से ऑप्शन है। क्लाउड स्टोरेज का एक ऑप्शन दिया गया है आपका, यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज की मदद से आप अपना जो डेटा है क्लाउड में सेव कर सकते हैं, जैसा ड्रॉप बॉक्स है और बहुत सी स्टोरेज आपके इस समय ऑनलाइन अवेलेबल है, तो यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज का ES का दिया गया है अपना। तो इस तरीके से आप क्लाउड स्टोर में जाके अपना डेटा सेव कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा है, वन ड्राइव में आप सेव करना चाहते हैं, ड्रॉप बॉक्स में सेव करना चाहते हैं या जी ड्राइव में या मीडिया फाइल में। तो ये जितने भी क्लाउड स्टोरेज के ऑप्शन इस ऐप में मिल जाएंगे, जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आपका फ़ोन का डेटा उसमें स्टोरेज में चला जाएगा। अलग से आपको इसके लिए क्लाउड स्टोरेज की ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। लॉकर है जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही, और साथ में डाउनलोडर और बहुत से इसमें दूसरे फीचर आ रहे हैं, जैसे वीडियोस, मूवीज़ हैं जिसमें सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं, लास्ट क्रिएटेड, लास्ट प्लेड कौन सा वीडियो है, कितना परसेंट आपको मेमोरी जो है फ़ोन में, जैसे 28% मेरा दिख रहा है, यानी टोटल मेरे फ़ोन में जितने भी वीडियो हैं ये 28% मेमोरी मेरे घेरे हुए हैं फ़ोन में। सो इस तरीके से ये ऐप आपके फ़ोन में जो फाइल्स हैं और जो डेटा है उसको मैनेज करने में बहुत हेल्प कर सकती है, बहुत ही हेल्पफुल ऐप है। अगर आपको लगता है कि ऐप काफ़ी यूज़फुल है और आप पेड वर्जन इसका ले सकते हैं तो आप इसका पेड वर्जन खरीद सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है अगर आप डेली हैवी यूज़र हैं मोबाइल के। ES फाइल एक्सप्लोरर की मदद से आप अपने फ़ोन में सेव डेटा को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप ऐप में आने वाले ऐड और कुछ प्रीमियम फीचर्स चाहते हैं तो इसका प्रो वर्जन भी ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही,
मैं राहुल सुजान अगले वीडियो में फिर से लेके आऊंगा कुछ नई ऐप्स के बारे में नई जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए hindigizbot.com।